ଭଞ୍ଜନଗର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ରୋତ ଭବନଠାରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ମନ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ଆସିଥିବା ରାଜଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ସତୀଶ ଭାଇ ଯୋଗଦେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରି ଦୈବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଲପାଲି ମଣ୍ଡେକେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳିକା ସନ୍ତୋଷିନୀ ଭଉଣୀ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ଲି ସୁରଭି ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। मैं ब्रह्मा कुमार अर्जुन माउंट आबू ज्ञान सरोवर से आया हूँ। आज यहाँ भंजनगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि स्वर्णिम दुनिया कैसी होगी और उस स्वर्णिम दुनिया में हम कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर शतुगी संस्कार कैसे आए, कैसे हमारे अंदर वो दिव्यता आए, कैसे हमारे अंदर वो दैवी गुण आए। आज हमारे अंदर वो दिव्यता नहीं रही, वो दैवी गुण नहीं रहे, हमारे अंदर तमो प्रधानता आ गई, अनेक प्रकार के आसुरी संस्कार आ गए, तो वो आसुरी संस्कार, वो तमो प्रधानता हमारे अंदर से कैसे मिटे, हमारे अंदर में सद्भावना कैसे आए, एक दूसरे में आपसी परस्पर प्रेम का व्यवहार कैसे हो, स्नेही कैसे हो, सम्मान की भावना कैसे आए, तो इन सब बातों को लेकर के आज यहाँ एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। और इसमें इस शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं और इस प्रोग्राम में हम सभी का यही लक्ष्य रहेगा कि कुछ हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, अपना करके जाएं। ओम शांति। भंजनगर में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हम माउंट आबू राजस्थान से आए हैं। मेरा नाम ब्रह्मा कुमार सतीश है और यहाँ बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा है, हीलिंग द माइंड एंड बॉडी थ्रू राजयोग मेडिटेशन। बड़ा सुंदर सा विषय है। इस विषय को रखने का पर्पज ये है कि आज के जीवन में राजयोग की बड़ी आवश्यकता है। हम सब योग के बारे में जानते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो योग कौन सा है। भारत का प्राचीन राजयोग जिसके वे आज की आवश्यकता है, तो मेडिटेशन से एक कैसे मेडिसिन मिलता है, कैसे सिंपैथी मिलती है, कैसे सारी पैथियों में बहुत बड़ी पैथी है सिंपैथी, और आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। मेडिटेशन में जब हम परमात्मा का जो उनकी कृपा है, उनका परमात्मा का प्यार मिलता है और हम स्वयं को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, और मैं शरीर नहीं बल्कि मैं तो ज्योति विद्यु आत्मा हूँ। जब इस बात का ज्ञान मिलता है तो ऑटोमेटिक हमसे अच्छे अच्छे वाइब्रेशन निकलते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस से मुक्त हो जाते हैं और सोल कॉन्शियस भी जाते हैं। तो आज इस उपलक्ष्य में यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी आए हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे और सारे अपने भंजनगर के भाई बहनों को, यहाँ के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हमारे आर वॉइस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो राजयोग मेडिटेशन सीखें। उसके लिए वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो हमारा लोकल ब्रांच है, यहाँ पर ज़रूर जुड़ें और उनके जीवन में सुख शांति हो, सभी खुशी प्राप्त करें, सभी आनंदित हों, सभी स्वस्थ हों, यही हम सबका लक्ष्य। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।